इंटरमीडिएट की सभी छात्राओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री की तरफ से उन्हें 10-10 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। जो भी छात्रा इंटरमीडिएट की परीक्षा में फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड कोई भी डिवीजन से पास किए हैं उसको 10 हज़ार रुपए दिए जाएंगे मुख्यमंत्री की तरफ से। इसके लिए आपको जो है कुछ नियम है न्यूज जान लेते हैं। छात्राओं को 10-10 हज़ार देने होंगे, इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। इंटरमीडिएट परीक्षा 2018 में उत्तीर्ण सभी अविवाहित छात्राओं को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 10-10 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। जी हाँ, इसको लेकर के फर्स्ट कंडीशन ये है कि अविवाहित छात्राओं को ही यह लाभ मिलेगा। जी हाँ, जिसकी शादी नहीं हुई है उन्हीं छात्राओं को 10-10 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। साथ ही इसके लिए शिक्षक संस्थान के प्रधानाध्यापक या फिर प्राचार्य के पास 30 जून तक आवेदन देने होंगे। आप अपने स्कूल के प्राचार्य या फिर प्रधानाध्यापक के पास 30 जून तक आवेदन दे सकते हैं इसको लेकर के। साथ ही शिक्षा विभाग ने इससे संबंधित दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। आवेदन फॉर्म जमा करने के साथ साथ आपको आवेदन फॉर्म में अपना नाम लिखना होगा, यानी कि छात्रा का नाम, विद्यालय का नाम, बोर्ड का नाम, रोल कोड और रोल नंबर, साथ ही बैंक का खाता संख्या, IFC कोड और छात्रा अथवा अभिभावक के मोबाइल नंबर भी जानकारी देनी होगी। अगर छात्रा की आधार संख्या है तो वो भी उसे देना होगा। आवेदन में छात्र को यह भी लिखना होगा कि मैं अविवाहित हूँ। जी हाँ, छात्रा को यह भी लिखना होगा कि आपकी शादी नहीं हुई है, आप अविवाहित है। साथ ही सबसे बड़ी बात, कॉमर्स और साइंस सभी स्ट्रीम के छात्राओं को मिलेगा 10-10 हज़ार रुपये। और आपको बता दें कि 2,68,000 छात्राएं उत्तीर्ण है इंटरमीडिएट 2018 की परीक्षा में। इनमें जो अविवाहित है यानी कि विवाहित होंगे उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। जो अविवाहित है उसको ही सिर्फ यह राशि दिया जाएगा 10-10 हज़ार रुपये। यह बहुत बड़ी खुशखबरी कहा जा सकता है इंटरमीडिएट के छात्राओं के लिए। साथ ही सबसे बड़ी बात, एक खबर और है कि सभी स्नातक में उत्तीर्ण छात्राओं को 25-25 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। जी हाँ, जो भी छात्राएं स्नातक की परीक्षा में उत्तीर्ण है उन्हें 25-25 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। तो बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है आप सभी छात्राओं के लिए।